ये देख सकते हो चिकन नट्स बहुत ही सॉफ्ट ऑन डाला गया है, चीज पूरी तरह से ऊपर में दिख सकते हैं आप लोगों को, मैगी लास्ट में जो है डाला गया है। अब सब कुछ हो तो पेट भर चुका है, लेकिन ये जो है ये ट्राई तो करना पड़ेगा भाई। चाय का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है और अदर बाकी सब चीज का भी। हेलो गाइस, मेरा नाम दीपू डिसूजा है, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो देखो अभी मैं आ चुका हूँ नैहट्टी स्टेशन पे, और यहाँ पे नैहट्टी में जो है एक चाय खाओ बोल के कॉफ़ी हाउस है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हम लोगों ने बहुत सारे कॉफ़ी हाउस में जाकर वीडियो बनाया, लेकिन आज मेरे साथ जो है एक और ब्लॉगर है जिसका नाम है रोनित सिंह। एंड कॉफ़ी हाउस का खास बात ये है कि यहाँ पे जो नैहट्टी का एकदम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारी चीज़ें हैंग आउट होंगे करने के लिए, यहाँ से 4-5 मिनट लगने वाला है। चलो चलते हैं, उसके बाद जो हम लोग भीतर जाकर आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं चाय खाओ कैफे हाउस के यहाँ पे, और देख सकते हो आप लोग बैक से। कॉफी हाउस के भीतर आ चुके हैं और काफी अच्छा यहाँ पे डेकोरेशन, जितना भी सारी चीजें हैं ना, काफी अच्छी लग रही है। सामने में मेन्यू हम लोग को दिया गया है, और मेन्यू में जो है भाई बहुत सारे वैरायटी है। और अभी हाल ही में जो है MBA चाय वाला का यहाँ पर गए थे, मैं तो बोलूँगा MBA चाय वाला के मुकाबले जो ये कॉफ़ी हाउस काफ़ी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे मेन्यू में जो है मैं अगर बात करूँ ना, तो यहाँ पर काफ़ी हर चीज़ आप लोग को बजट में देखने को मिलेगा, नॉट ओवर प्राइस में कुछ भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो ऑर्डर करने वाले वह जो है हम लोग एक क्रीम कॉफ़ी ऑर्डर करने वाले हैं। सैंडविच में जो हम लोग चिकन सैंडविच ऑर्डर करने वाले, जो कि सैंडविच यहाँ का मैंने सुना है कि पॉपुलर है। स्नैक्स में जो हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं एक चिकन फिंगर्स है 5 पीसेस। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये इस कैफ़े का जो है वो हाईलाइट चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ हम लोगों ने ऑर्डर किया है। और देखते हैं कि चीज़ें कितनी अच्छी है, अच्छी होगी तो तारीफ ज़रूर हम लोग करेंगे, और नहीं होगी तो कुछ बोलना नहीं है। चलो ऑर्डर करते हैं और उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने जो जो चीज़ ऑर्डर किया था वो सारी चीज़ें आ चुकी है। ये देखो नीचे आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाएगा चिकन सैंडविच देखने को मिलेगा, 2 प्लेट लिया है, क्योंकि मैगी जो है यहाँ का मैगी भी हाईलाइट चीज़ था, इसीलिए हम लोगों ने कॉर्न चीज़ मैगी ऑर्डर किया है। ये देखो आप लोग, यहाँ पे ऊपर से पूरा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, हल्का हल्का सारी चीज़ें डाली गई है। क्रीम कॉफ़ी 2 ऑर्डर किया था, और यहाँ पर हम लोगों ने 1 प्लेट चिकन नट्स ऑर्डर किया था, और यहाँ पर सारी चीज़ आप लोग देख सकते हो। गाइस यहाँ पर हम लोग क्रीम कॉफ़ी ट्राई करते हैं, देख के तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा है क्रीम कॉफ़ी जो है, देखते हैं कैसा है। कॉफ़ी एकदम सुपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, डीप एकदम पूरी तरह से कॉफ़ी का जो एकदम फ्लेवर है ऊपर में उभर रहा है। 50 रुपीज़ प्राइस पड़ा है, और मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा जस्टिफाई करता है ये। चिकन सैंडविच ट्राई करके देखते हैं मिल जाएगा, 2 पीसेस है चिकन सैंडविच का, ये देखो 2 पीसेस दिया गया। अंदर में देख लेते हैं क्या क्या है, एकदम ओपी देखने को मिलेगा, पूरी तरह से चिकन, और ऊपर से एकदम सारे जितने मतलब सैलिड वैलिड को जितना भी प्याज वाज को काट करके अच्छा तरीका से एकदम एकदम मिक्सअप करके चिकन को एकदम डाला गया है। सबसे पहले ट्राई करते हैं भाई, इसके भीतर चीज़ है, पूरा पूरी तरह से चीज़ है, चिकन का पीसेस जो है मैं मुँह में आ रहा है, ये देखो। गाइस अब जो है हम लोग चिकन नट्स ट्राई करने वाले हैं, ये देख सकते हो चिकन नट्स 5 पीसेस दिए गए, और चटनी है काफ़ी अच्छा क्रीम व्रीम सारा चीज़ दे करके बनाया गया। बहुत ही सॉफ्ट एकदम नरम देखने को मिलेगा, बहुत सॉफ्ट है। चिकन का पीसेस को पूरी तरह से भूरा कर दिया गया, एकदम छोटे छोटे पीसेस में डाल दिया गया। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली बात क्या है, ये देख सकते हो चिकन के जितने भी पीसेस हैं ना उसको एकदम पूरी तरह से भूरा कर दिया गया, और जब आप खाओगे एकदम एकदम सॉफ्ट देखने को मिलेगा। और मैं एक चीज़ मुझे अच्छा लगा जो इसमें एकदम ऑयल जो है उतना काफ़ी एकदम देखने को नहीं मिलेगा, ऑयल ज़्यादा ना होगा। इस आखिर और फाइनल में जो है हम लोग कॉर्न चीज़ मैगी ट्राई करने वाले हैं भाई, कॉर्न चीज़ मैगी। ये देखो आप लोग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा कॉर्न डाला गया है, चीज़ पूरी तरह से ऊपर में दिख सकता है आप लोग को, मैगी लास्ट में जो है डाला गया, और साइड में जो टमाटर भी हल्का हल्का से काट के डाला गया, एकदम लाजवाब लग रहा है सच पूछो तो, पेट भर चुका है। लेकिन ये जो है ये ट्राई तो करना पड़ेगा पूरी तरह से, ये जो गर्म था और पूरी तरह से अभी शायद मेरे ख्याल से ठंडा हो गया है। ये जो कॉफ़ी वूफी हम लोग ट्राई किया है ना, ये देखो, चलो ट्राई करके देख फिर भी देखते हैं।
पूरी तरह से चीज़ का एकदम फ्लेवर आ रहा है, चीज़ के साथ एकदम मैगी जो एकदम घुल जा रहा है वो वाला एकदम फ्लेवर है। देखो बहुत बेस्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से ये गर्म होता तो और भी मज़ा आता। अगर मैगी ठंडा हो जाए तो सच पूछो तो उतना मज़ा नहीं आता है, गर्म होता ना ये फाड़ू एकदम होता, फाड़ू हो जाता अगर ठंडा हो गया है, इसीलिए टेस्ट जो है वैसा नहीं आ रहा है, वैसा टेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी सही है, शायद हम ही लोगों का गलती है क्योंकि इतनी सारी चीज़ जब हम लोग ट्राई कर रहे थे भूल ही गए कि सामने मैगी भी है और वो ठंडा भी हो जाएगा, ठीक है, तो इस चीज़ पर हमने ध्यान नहीं दिया। नाउ गाइस यहाँ पर हम लोग इस कैफ़े हाउस में आए थे ट्राई करने के लिए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन यहाँ पर लोकल में जो लोग रहते हैं यहाँ पर इस कैफ़े हाउस में आते हैं ट्राई करने के लिए अलग चीज़ें, एक भाई मिले जिसे पूछते हैं कि कैसा है, यहाँ कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप यहाँ पर इस कैफ़े में? ये तो हम 5-6 बार आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ का चाय और बाकी सारी चीज़ कैसा लगता है यहाँ पे आपको? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी ना, बहुत टेस्टी है। और हम लोग दोस्त लोगों के साथ आते हैं बहुत सारा एंजॉय करने के यहाँ पर, क्योंकि दोस्त लोग में लड़की भी सब रहती है, अच्छा। सब लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, चाय का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है और अदर बाइक की सब चीज़ का भी टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और मेरा मानो तो यहाँ पे गूगल में रिव्यू भी काफ़ी अच्छा दिया गया, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा आने का। तो यही सारी चीज़ें दिखानी थी, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं किसी के नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।